आज क्या बन रहा है? ग्रिल्ड है, पोटैटो सैंडविच। पोटैटो सैंडविच? बड़े देर बाद हम ग्रिलर वाली की चीज खा रहे हैं। हाँ, इसने चिप्स थे ना वो डाले इसमें और बना दी सैंडविच। इतनी सही बनी है, पूरी स्टफिंग पनीर और आलू की स्टफिंग है इसमें। वाओ, दिस इज सो यम्मी। अब हम खाएंगे। आप कब उठी थी? मैं सुबह की उठी हूँ। नींद नहीं खुल रही थी यार, कितने मैं 6 बजे उठना स्टार्ट किया था, मैं नींद ही खुल रही। देखो गाइस, देखो गाइस, ये है आज का ब्रेकफास्ट। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग। टाइम बताऊंगी आपको, हंसी आएगी। टाइम है पौने एक, सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई क्योंकि यार थोड़ा मन नहीं कर रहा था, तबीयत भी ढीली थी। सुबह उठ के मतलब 9:30 उठे थे, ब्रेकफास्ट किया, फिर अभी जस्ट मैं नहा के आई थी, कुछ काम ही कर रही थी, तो अभी फिर और काम है। देखते हैं आज कुछ कहीं जाना हो करना हो तो, अभी तो कुछ प्लान नहीं है फिलहाल, तो अभी थोड़ा काम ही करना है। मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है आज। आप बोल के तो ये कहते कि एक पत्ती का डब्बा लाना है और ये देखो पूरी दुकान ही खोल दी है। ऐसे सीखी थी कंपनी खोलनी नहीं के जीरे जी। गाइस ये बहुत बेस्ट है डाइजेशन के लिए, बड़ा अच्छा है यार इसका। ऐसा था कि कल धूप निकल गई थी, मतलब इस टाइम पे सुबह मौसम अच्छा था, इस टाइम पे धूप निकल गई थी, पर आज ये है कि धूप नहीं निकली है, तो चलो धूप तो नहीं है। और ये देखो कौन बैठा है, ये क्या चल रहा है इधर? पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है इधर, क्यों? गाइस देखो मौज लगी है, गुड़ी आलू भुजिया के पैकेट रख के तो बस इधर लगी हुई है। क्या आ जा, मैं नहीं खाऊंगी, पर मैं यहीं पे देखो ये बस करने लगी थी काम, पहले भी कर ही रही थी, फिर मैंने यार टाइम बहुत हो गया, नहा लेती हूँ, पहले लंच का टाइम हो गया, बिल्कुल भूख नहीं लगी, ब्रेकफास्ट लेट किया और तब की यहीं बैठी हूँ, कुछ फिजिकल वर्क किया ही नहीं तो भूख कहाँ से लगेगी। सही बात है गाइस, करते करते ये टाइम आ गया है और पता नहीं चला यार, है ना, बिल्कुल नहीं पता चला यार। अर्शी यार जल्दी उठना स्टार्ट कर, सुबह 8 बजे तक, 7 बजे तक। मेरे नाते निकले ना यार, मेरे को नहीं उठने हो रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और अर्शी काट रही है सैलेड लंच की। अर्शी मौसम अच्छा है बाहर थोड़ा। मैं आपकी आई से बात कर सकती हूँ? मुझे ये चाहिए। नहीं, मेरे पास है। दो आ, दो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम्हारे घर से भी ऐसे ही बनानी पड़ेंगी। अरे पागल हो गई है क्या, पागल कहीं की इधर उधर। तो गाइज हमने कर लिया था लंच, टाइम हो गया है 3:30, 3:40, तो मैं और अर्शी 4:30 तक कहीं जाएंगे गांधीनगर वाली साइड कुछ सामान लेने। सो गाइज अभी हम हो गए तैयार, तो बेसिकली हमें 2 काम है, एक तो कुछ एक्सेसरीज लेनी है, दूसरा हमें वॉच का काम करना है, ये वाली इसका स्ट्रैप चेंज करवाना है, और जो दूसरी एक लिया यार वो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, उसका कुछ जुगाड़ करना है कि कुछ, क्योंकि वो मेरी रिस्ट में इतनी ज़्यादा लूज है, वैसे ऐसे होती रहती है, मन नहीं करता डालने का। और अर्शी डार्लिंग आ गई हूँ काली। तो बड़े दिनों बाद स्कूटी निकाल रही हूँ क्योंकि यार अलग अलग गलियों में जाना है, तो फिर वो ई रिक्शा जा नहीं पाएगा, अब सिर्फ हेलमेट पहनना है। चलो फिर चलते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है, अर्शी करेगी अब पीछे व्लॉगिंग बैठ के। तो गाइस बिल्कुल डिजायरेबल मौसम है बाहर जाने के लिए, देखो बिल्कुल क्लाउडी हो गया और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। राइडर हमारा हो गया तैयार गाइस, उसी से डर रहे हैं ये बच्चे भी, ये देखो कैर पाया था इस मांझे ने गली दे। गाइस हवा चल रही है इतनी जबरदस्त और ऊपर देखो पूरे बादल, बड़ा अच्छा मौसम हो गया यार। बाहर निकलने में तब्दीली आ रही है वैसे आहिस्ता आहिस्ता। गाइस ये थी वो प्लेस जहाँ पे हमने कल विजिट किया था। तो गाइस हम यहीं आए थे, अभी सामान ही देख रहे थे।
सो गाइज यहाँ से हम हो गए हैं फ्री। इसको देखना, इसको देखो शीशे के अंदर, ये पॉलीथिन का वेट करिए। जो हमने लेना था वो ले लिया हमने, तो अभी हम चलते हैं गांधीनगर की तरफ, वहाँ से कुछ सामान भी खरीदना है। कल के हम अभी जा रहे हैं बहुत चीज़ वाली शॉप में, वहाँ पे कुछ काम है थोड़ा, जैसे कि आपको बताया था। मौसम और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आज, बड़ा अलग। तो गाइस ये आगे शॉप, अब चलते हैं इधर अंदर। हम निकल गए हैं, आपको बताते हैं हमारा काम बनाया नहीं, और बट यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है। तो गाइस अभी अच्छी गई है दयाल से कुछ लाने के लिए शाम को चाय के साथ, इधर रश ही इतना ज़्यादा, ट्रैफिक इतना ज़्यादा पड़ी हुई है। अभी हम जाएंगे बरमानी इसके बाद। अभी फिलहाल हम आए यहाँ, देखते हैं कुछ क्या लेना है। सो अभी हम रुके हैं जूस पीने गाइस, इसके बाद कुछ खाने का मन है। भूख लग रही है उसी, भूख लगी है, भूख लगी है, तो अभी हम कुछ खाएंगे, देखते हैं आगे से। तो गाइस हमने ऑर्डर किया है एक आलू टिक्की और एक कलाड़ी कुलचा, ग्रिलिंग भी था साथ में, बट इधर टाइम लगता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अभी और सामान भी लेना है, इसलिए हम यही रुके। तो ये हम आए हैं इधर डोगरा चाट। यहाँ से भी निकल चुके हैं, आप देख रहे हो कि गाड़ियों की लाइट्स हो चुके हैं ऑन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ने वाला है। बस तो पेट पूजा भी कर लिए, इधर लगा थोड़ा ट्रैफिक, बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये अप्सरा रोड बन रही है, काम चल रहा है उसका। गाइस आजकल हमारे एरिया में इतना ट्रैफिक हो गया हुआ है ना, पर ठीक है, आसानी हो रही है चलाने में। मंडी एज यू कैन सी, अस अपनी गली च बस 2 मिनट दूरी है। हम पहुंच गए घर वापस, कुछ सामान लाया है, तो अभी बताती हैं। जो हम वॉच का काम करने गए थे वो हो गया, हमें उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा, बट हो गया। बताती हूँ कैसे हुआ ये, कि जो मेरी स्ट्रैप वाली घड़ी थी जो मैं अक्सर पहनती हूँ है ना, वो थोड़ा सा ब्राउन स्ट्रैप, वो स्ट्रैप थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मुझे लगा वो चेंज करवाती हूँ। दूसरी ये थी कि मैंने ली थी कोई 1 साल हो गया, 8-9 महीनों के तकरीबन उस घड़ी को ली, दिसंबर में ली थी वो ना, उसने बोला था डालोगे आदत हो जाएगी आपको ना, यहाँ यहाँ नीचे तक आ जाता था पूरी घड़ी, ऐसे ऐसे करूँ तो वो नहीं ठीक हो रहा था। तो मेरे को लगा नहीं था वो चेंज कर देंगे, क्योंकि 1 साल हो गया ऑब्वियसली, कहाँ करना था, पर उन्होंने चेंज कर दी उसी प्राइस में, दूसरी मेरे को दे दी। तो अभी आपको बताती हूँ, जिसका मैंने स्ट्रैप चेंज करवाया इसका नया हो गया एकदम स्ट्रैप लेदर का, और ये है जो उसकी जगह लाई है मैंने टाइमेक्स की, तो ये अब मेरे मतलब बाजू में बिल्कुल एकदम फिट है, सी आ रही है, मतलब अब ठीक आ रही है एकदम फिट। क्या खोल के बैठी हो दुकान दीदी, कहाँ बेचोगी, कहाँ बेचोगी? रघुनाथ बाजार। रघुनाथ बाजार, ये तो लफाफा लेके बैठी हो रही यहाँ से, इसमें डाली जा रही है। तो गाइज यार मैं काम ही कर रही थी अभी, जस्ट लैपटॉप मतलब लैपटॉप से दूर हटी हूँ, अर्शी भी इधर ही बैठी है बादाम छील के। अभी डिनर का टाइम हो गया, 8:15 हुए, 8:30 तक करेंगे, थक गए यार, किया कुछ भी नहीं बट थक ही गए, अजीब सी थकावट होगी हुई है। कर लिया डिनर, अर्शी लेट गई है इधर, अर्शी सो गई है, अर्शी 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 बहन ड्रोगी क्या बताना है, क्या बताना, आ गया और सोने लगे है। डिनर हमने कर लिया, आज बनी थी राजमा की दाल, वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी गए, फिर जाके फटफट कर लिया, फिर चक्कर शक्कर लगाए, और अभी मैं बस बंद करने लगी हुई है। और अर्शी तो आ गई है मुँह शुद्ध होके, फ्रेश होके एकदम, मेरी अब बारी है मुँह शुद्ध होने की। तो आज का व्लॉग ऐसे ही था यार, रैंडम 10-15 मिनट में प्लान बना, कुछ इंपॉर्टेंट सामान लाना था, फिर सामान लेके आए, फिर थोड़े से थक गए, पर अभी हिम्मत नहीं है जागने की, लगे हैं सोने। तो ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।